बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, पैर के नीचे कोई कांटा आ गया, स्पाइन आ गया, पैर अपने आप उठ जाता है, या आँख के पास कोई धूल डस्ट आ रहा है, ये आईलिड अपने आप झपक करके उसको बंद कर लेता है। हम रोटियां पका रहे हैं, तवे से अगर हाथ टच हो गया, जैसे टच हुआ अपने आप हाथ हट गया। ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में सेंसरी सेल्स हैं जो जैसे ही कोई स्टिमुलाई पाते हैं, स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स में बदल करके उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड को देते हैं, उसके बाद वो ब्रेन को जाएगा, लेकिन पहले स्पाइनल कार्ड, इसके बाद वही से फिर मैसेज आएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाथ को हटा दिया जाए। जैसे यहाँ पे पिन आके लग रहा है, पिन जैसे ही लग रहा है तो यहाँ से रिसेप्टर ने उसके पेन को रिसीव किया, उसको नर्व इम्पल्स में बदला, नर्व इम्पल्स सेंसरी नर्व से होते हुए ये चलाया स्पाइनल कार्ड, वहाँ से मोटर नर्व ने फिर रिस्पांस को भेजा और हाथ हट गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस व्हेन द रिसेप्टर गेट स्टिमुलाई, अगर रिसेप्टर ने कोई स्टिमुलाई प्राप्त किया तो उसके वजह से जो रिस्पांस है उसका रिफ्लेक्शन होना ही रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्शन किसका होता है? रिस्पांस का, किसके अगेंस्ट में? स्टिमुलाई के। अब स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, जो भी स्टिमुलाई मिला वो नर्व इम्पल्स में बदल करके कहाँ जाएगा? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से सीधे फिर रिस्पांस आएगा उसी आर्गन को और रिस्पांस शो होगा। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑलवेज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को मालूम होगा लेकिन बाद में, जैसे हाथ यहाँ पिन लगी, हाथ हट गया, बाद में हमें मालूम है कि यहाँ तो कुछ पिन लगा था, दर्द हो रहा है, लेकिन पहले हाथ हट चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पे स्किन में जो रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर, उसने स्टिमुलाई को रिसीव किया, नर्व इम्पल्स में बदला, दैट नर्व इम्पल्स पासेस थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर रीच टू स्पाइनल कार्ड, वहाँ से मोटर नर्व फाइबर ट्रांसमिट रिस्पॉन्स, देन विड्रॉल एंड अकर। सो दिस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई विच इज रिसीव्ड बाई रिसेप्टर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कैसे होता है, इसका ट्रैक क्या है। तो इट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाई स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड कहाँ है? स्पाइनल कार्ड को अगर समझें तो जैसे ये स्पाइनल कार्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम में है, ये वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्री रीढ़ की हड्डी, छोटे छोटे वर्टिब्री से बनी हुई है, और वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कार्ड है यहाँ, और ये स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर नर्व्स निकलती हैं, पूरे बॉडी को जाते हैं, और हर एक नर्व्स में दो फाइबर होंगे, एक सेंसरी नर्व फाइबर, एक मोटर नर्व फाइबर। तो अगर ये स्पाइनल कार्ड हम देखें तो इस तरह से है, अगर इसका सेक्शन काटें तो 8 के आकार का स्ट्रक्चर आएगा, ऐसे स्लाइस काटें 8 के आकार का। अब इसमें डार्सल और वेंट्रल दो तरह के पोजीशन होंगे, डार्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। तो इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं स्पाइनल कार्ड का, उसी के साथ न्यूरॉन को देखते हैं कैसे लगा हुआ है। यह स्पाइनल कार्ड हो गया, और यहां से ये डार्सल हॉर्न हो गया, यहाँ से वेंट्रल हॉर्न हो गया। ये डार्सल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न, और यहाँ से ये सेंसरी नर्व फाइबर, और यहाँ से मोटर नर्व फाइबर। एक ही न्यूरॉन है, एक तरफ से एक निकलेगा, दूसरे तरफ से निकलेगा, और यह एक डार्सल हॉर्न से निकला, डार्सल रूट से, एक वेंट्रल रूट से, और ये दोनों जाएंगे एक ही आर्गन को। यह कायदे से देखिए तो एक ही न्यूरॉन है यह,
यह एक न्यूरॉन है ऐसे, लेकिन इस न्यूरॉन में कितने फाइबर हो गए? दो फाइबर हो गए। कौन कौन से फाइबर हैं? एसेंशियल फाइबर, इसको कहेंगे सेंसरी नर्व फाइबर, और इसको कहेंगे मोटर नर्व फाइबर। अब ये सेंसरी नर्व फाइबर ये रिसेप्टर से लगा हुआ है, रिसेप्टर्स, और यहाँ इफेक्टर, सेम आर्गन में सेम पॉइंट में जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगा वो रिसेप्टर, और जो रिस्पांस देगा वो इफेक्टर। तो यहाँ पे अगर कोई पिन लगता है, कोई स्टिमुलाई जिसे पिन आके लगा, तो यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर हैं, या दबा रहे हैं तो प्रेशर रिसेप्टर हैं, या हीट है तो हीट रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, जो रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर रिसीव स्टिमुलाई, रिसेप्टर रिसीव्स स्टिमुलाई। अब वो स्टिमुलाई किसी तरह का भी हो सकता है, पिन लग रही है तो पेन का होगा, कोल्ड है, ठंडक है, हीट है, जो भी है वो स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे। और जैसे ही रिसेप्टर ने स्टिमुलाई को रिसीव किया और स्टिमुलाई को किस में बदल दिया? नर्व इम्पल्स में, नर्व इम्पल्स में बदल दिया। अब नर्व इम्पल्स के रूप में सेंसरी नर्व फाइबर ये कहाँ लेके जाएगा? डार्सल रूट से होके स्पाइनल कार्ड को लेके जाएगा। आई है स्टिमुलाई कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्स एंड पासेस थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर रीच इनटू स्पाइनल कार्ड, एंड स्पाइनल कार्ड में यहाँ दोनों सेंसरी और मोटर या मोटर नर्व फाइबर है, दोनों आपस में किससे जुटे हैं? इंटर न्यूरॉन से, इंटर न्यूरॉन से, अभी इंटर न्यूरॉन से जुटे हैं। तो व्हेन एनी स्टिमुलाई कम्स हियर रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, द रिसेप्टर कन्वर्ट द स्टिमुलाई इनटू नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स पासेस थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर रीच थ्रू डार्सल रूट इनटू स्पाइनल कार्ड, देन थ्रू इंटर न्यूरॉन द रिस्पॉन्स पासेस इनटू द मोटर नर्व फाइबर, एंड थ्रू मोटर नर्व फाइबर द रिस्पॉन्स रीच टू इफेक्टर, देन विड्रॉल ऑफ हैंड अकर्स। जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलाई आया, पिन लग रही है, यहाँ पेन हुआ, पिन लगी, रिसेप्टर ने रिसीव किया पेन स्टिमुलाई को, नर्व इम्पल्स में बदला, नर्व इम्पल्स सेंसरी नर्व फाइबर से होते हुए आ गया स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड ने रिस्पांस किसके माध्यम से भेजा? मोटर नर्व फाइबर के माध्यम से भेजा, और ये चलाया इफेक्टर में और हाथ हट गया। तो इस तरह से यह रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है हमारा नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन भाग लेंगे? रिसेप्टर, सेंसरी नर्व फाइबर, इसके बाद स्पाइनल कार्ड, देन मोटर नर्व फाइबर, देन इफेक्टर। इतना इस पैथवे द ट्रैक थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। तो बच्चों आपने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन यह जो है स्पाइनल कार्ड से कंट्रोलर कोऑर्डिनेट होता है, ब्रेन को मालूम होगा लेकिन बाद में मालूम होगा, पहले स्पाइनल कार्ड इसको कंट्रोल कर लेगा, कोऑर्डिनेट कर लेगा, क्योंकि जैसे स्टिमुलाई आएगा रिसेप्टर उसको किस में बदलेगा? नर्व इम्पल्स में, और जैसे स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स में बदला सेंसरी नर्व फाइबर तेजी से लेके आएगा स्पाइनल कार्ड को, और यहाँ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, रिस्पॉन्स कहाँ आएगा? मोटर नर्व फाइबर को, मोटर नर्व फाइबर ने किसको दे दिया? इफेक्टर को, और रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ responses after getting stimuli that is called as reflex action। अब इसका reflex arc क्या है? reflex arc is the track, track through which reflex action takes place। जिस track से होकर के reflex action होता है उसको हम reflex arc कहते हैं। यह तो spinal cord है, यह spinal cord है, ये TS of spinal कार्ड। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क को अगर ये इस तरह से हम आर्क बना लें ऐसे, तो आर्क में यहाँ पे स्पाइनल कार्ड हो गया, यहाँ पे यह स्पाइनल कार्ड, यही स्पाइनल कार्ड जो हमने बनाया है, और यह जो जा रही है यह क्या है?
या सेंसरी नर्व फाइबर, इसी को एफरेंट भी कहते हैं। और यह क्या है? मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर। और यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर। और यह इफेक्टर। तो रिसेप्टर ने स्टिमुलाई रिसीव किया, सेंसरी नर्व फाइबर से होकर के स्पाइनल कार्ड में आया, यहाँ से रिस्पांस मोटर नर्व फाइबर से होते हुए रिस्पांस आ गया इफेक्टर में और रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। तो ट्रैक थ्रू विच द पैथवे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। ये पैथवे या ट्रैक है, इसी से होकर रिफ्लेक्स एक्शन होगा। जैसे कोई पिन आके लगा, रिसेप्टर रिसीव किया, नर्व इंपल्स में बदला, सेंसरी नर्व फाइबर से होकर के कहाँ जाएगा? स्पाइनल कार्ड को। और स्पाइनल कार्ड से फिर रिस्पांस मोटर नर्व फाइबर से इफेक्टर को आएगा और रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए पैथवे, दैट पैथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पढ़ते लिखते रहिए, देखते रहिए लेक्चर वीडियो, बच्चों को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपको और भी लेक्चर वीडियो ऐसे ही आपके टॉपिक जो रिलेटेड टॉपिक है उस पर बना के भेजें। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।